वी ऑल्सो बिलीव एंड द लास्ट पॉइंट आईट लाइक टू मेक रैली इज दैट ओनली द पैरानोइ सरवाइव एंड आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स आप में से जो लोग मेरी उम्र के होंगे उन्होंने जब शेव करनी शुरू करी थी तो तब वो एक वो इराजमिक का ब्लेड आया करता था सैंडविच ब्लेड हम कहा करते थे उसको आप रेजर में फिट सेफ्टी रेजर में फिट करते थे और उससे आप शेव करते थे फिर उसके बाद जिलेट का ब्लेड आया और अब अब वो सैंडविच ब्लेड तो देखने को ही नहीं मिलते जो हमारे पिताजी और हम यूज किया करते थे आप म्यूजिक के शौकीन होंगे तो जब आपने म्यूजिक सुनना शुरू करा था अगर मेरी उम्र के आप हैं तो आप रेडियो सुना करते थे जो कि फिलिप्स या मर्फी का होता था फिर ट्रांजिस्टर आया जो कि फिलिप्स का होता था उसके बाद आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड एच के सुने फिर कैसेट्स आई टी सीरीज की फिर उसके बाद सी आई और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पे आ गए हैं डिजिटल म्यूजिक में आपने नोटिस करा होगा हर एक स्टेज पे जब काम तो वही है म्यूजिक सुन रहे हैं आप बट जब आपका सोर्स चेंज हुआ म्यूजिक सुनने का तो ब्रांड चेंज हो गया और ये क्यों होता है क्योंकि आप जब किसी जो 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 ब्रांड मार्केट लीडर होता है ब्रांड का उस कैटेगरी उस में वो कहता है बस हम लीडरशिप पे पहुंच गए अब हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है एक नया तरीका आता है और ये टेक्नोलॉजी का जो चेंज है कभी भी लीडर इंट्रोड्यूस नहीं करता है कोई बाहर वाला आके करता है ये प्रथा चलती आ रही है कितने सालों से हर कैटेगरी में आप फ़ोन में ले लीजिए एम टी के फ़ोन हुआ करते थे उसके बाद अब मोबाइल फ़ोन आए तो एरिक्सन मोटररोला सीमेंस के फ़ोन आते थे जब वो लीडर बने तो एक नोकिया आया मुझे याद है दस साल बारह साल पहले यदि आप किसी एक कमरे में बैठे होते और आप पूछते कि कितने लोग के पास नोकिया का फोन है तो करीब अस्सी परसेंट हाथ उठते कि हाँ हमारे पास नोकिया का फोन है और आप उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते कि क्या क्या इनमें से आप में से कितने लोगों का अगला फोन भी यही होगा तो सब लोग कहते हैं हाँ मेरा यही फोन होगा आज मुझे बताइए इस कमरे में कितने लोगों के पास उस ब्रांड का फोन है नहीं तो हमारा सोचने का मतलब ये है कि हम अपने आप को नोकिया नहीं बनना देना चाहते या हम अपने आप को एच नहीं बनने देना चाहते उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली कस्टमर के पास जाते रहे और हम पूछते रहते हैं कि भाई आपके आप क्या कैसे कंटेंट देख रहे हैं आप किस फॉर्म में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं और हमने देखा कुछ साल पहले कि लोग टीवी के अलावा ओ भी देखना शुरू कर दिए थे नब हम कहते हैं कि ओ तो हमारा एनिमी है ये तो हमारा कंपेरेटर है हम इससे लड़ेंगे हम इसको मारेंगे बजाय इसके जब हमको ट्रेंड दिख रहा है कि लोग कंटेंट ओ के द्वारा देखना शुरू कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आल्सो बिकम एन ओ टी टी प्लेटफॉर्म इन एडिशन टू अ टेलीविजन प्लेटफॉर्म सो वी सेट वी आर नॉट अ टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वी आर अ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हमको नया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर कि हम ओ भी डिस्ट्रीब्यूट करें और जैसा कि टेलीविज़न में होता है लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं लोग म्यूजिक देखना चाहते हैं लोग न्यूज देखना चाहते हैं ना कि किसी एक कंपनी की न्यूज देखना चाहते हैं किसी एक कंपनी की किसी एक ब्रॉडकास्टर की एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो हमारा काम क्या था कि हम सबसे कॉन्ट्रैक्ट करते और सामने एक इंटरफेस देते कस्टमर को जिसमें कि वो प्रेस करता गाइड प्रेस करता एंटरटेनमेंट उसके बाद उसको ओडिया में देखनी है बांग्ला में देखनी है तो वो प्रेस करके उसको सब ऑप्शन मिल जाती है सब ब्रॉडकास्टर्स के तो वही चीज ओटीटी में भी होनी चाहिए जब अगर 15-20 ऐप आप अगर आपके पास होंगी कल को तो ओ टी में वही प्रॉब्लम होगी कि हमको तो बंगला ड्रामा देखना है अब हमको ये नहीं कि बंगला ड्रामा कौन सी ओ टी टी से देखना है तो शाम को आप बैठेंगे और 18 ऐप के थ्रू जाएंगे बंगला ड्रामा चेक करते हुए फिर आधा घंटा तो आपको उसमें गुजर गया उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि विच वन टू वॉच यू वेस्टेड हाफ एन आवर सो वॉट वी क्रिएटेड वॉज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड बिंच दोज ऑफ यू हु नॉट गॉट इट शुड ट्राई इट आउट इसमें क्या है कि छे भले ही बारह तेरह चौदह ऐप आप होंगी आपको सामने क्या दिखता है एक रेल में यदि आप बांग्ला कॉमेडी के शौकीन है तो आपको बांग्ला कॉमेडी सब में से निकाल के एक रेल में दिख जाती है यदि आप उड़िया ड्रामा देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है एक ही रेल में सब ऐप से जब हम इसको लेके गए कस्टमर के पास तो कस्टमर बोला कि आप तो टीवी बेचते हैं टाटा स्काई आपको ओटी टी में क्या आपका लेना देना सो दैट इज बेन वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू